नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल वेबर्क वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज 2 फरवरी 2018 है और आपको पता है कि आज PSL के जितने भी कार्यकर्ता, PSL के जितने भी एजेंट निवेशक हैं, उन सभी ने जाना था सुप्रीम कोर्ट में और जज जी के सामने रखनी थी अपनी कुछ फरियादें। तो आज कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, तो दोस्तों वहां पर क्या बना, क्या नहीं बना, कौन कौन गया, कौन नहीं गया, तो ये सब कुछ हम शुरू करें। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं, पहली बार वेबर्क वर्ल्ड के इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सारी की सारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले दोस्तों, इस बटन को आप प्रेस कर लीजिए दोस्तों। और साथ में इसको प्रेस करने के बाद दोस्तों, आपको एक यहाँ पे एक घंटी भी दिखेगी, इसे भी जल्दी से प्रेस कर ले। और साथ में इस वीडियो को, इस लाइक वाले बटन को दबाकर लाइक जरूर कर दे, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम आपके लिए लेके आते रहे नई से नई अपडेट्स PSL की। और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, देखिए आज कौन कौन गया था सुप्रीम कोर्ट। पीछे बता दियो, कभी कोई आ जाए ना, मेरे पीछे है। कोई नहीं, माल गाड़ी आओगी आओगी तो इनके कुछ नहीं आओगे। खाली रोड अपने लिए सिर्फ, बस सिर्फ पैदल वालों के लिए ही वीडियो करके डाल दे। सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ते कदम, हरियाणा सुप्रीम कोर्ट की ओर। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देख लिया कि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ अग्रसर होते हुए PSL के कुछ एजेंट और निवेशक थे, तो अब आपको उत्सुकता होगी कि आखिर वहां पर बना क्या। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं की जुबानी आपको बताते हैं कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट में क्या बना। साथियों, मैं सुप्रीम कोर्ट के मैदान में खड़ा हूं और जिन लोगों से, PSL पीड़ित लोगों से जो एक मैसेज छोड़ा गया था कि सारे लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफिस पहुंचे सामने, लेकिन यहां हम लोगों को दिखाई पड़ा है कि अभी तक यहां कोई दिखाई नहीं पड़ा है। 5-7 बंदे आए हुए हैं, जितने संगठन चल रहे हैं, संगठनों की मीटिंग हुई थी कि सारे लोग यहां इकट्ठे होंगे और हम अपनी अपील को रखेंगे कि हमारी बात को सुना जाए, लेकिन यहां कोई भी इकट्ठा नहीं हो पाया है। कृपया जो भी ये मैसेज छोड़ा करें, या तो आए करें, नहीं आए करें तो ये मैसेज ना छोड़ें, क्योंकि लोग दूर दूर से आए हुए परेशान होते हैं। तो दोस्तों, ये हालत है PSL की, जितने भी 6 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ 85 लाख जितने भी आप लोग हैं, तो ये हालत है दोस्तों। चंद लोगों के जूझने से क्या बनेगा। अगर आप अपने घरों में दुबके रहोगे तो दोस्तों आपका पैसा कैसे मिलेगा, आप लगाइए हिसाब। ये 2-4 कुछ लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, तो देखिए दोस्तों, खुद ही मुहिम बनाई, खुद ये लोग जो पहुँचे, इनका भी टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ और कुछ भी नहीं बना। तो आप लगा लीजिए हिसाब, इस तरीके से क्या बनेगा। अब हमें ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, हमारा काम है आपको न्यूज़ देना, हमने आपको न्यूज़ दे दी। अगर न्यूज़ अच्छी लगी, नहीं लगी, तो हमारे काम के लिए इसे ज़रूर लाइक करें, क्योंकि हम आपको समय समय पर अपडेट देते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सोए हुए लोगों तक भी पहुँचाएँ जो सिर्फ पैसा मिलने के इंतज़ार में हैं और करना कराना कुछ नहीं चाहते। ठीक है दोस्तों, तो फिर दे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।